क्या कभी उन वीर सेनापतियों ने सोचा होगा कि उनके किले की ये दुर्दशा होगी? बताया जाता है कि इस किले में आज भी आला रात को आते हैं खजाने के लिए। यहाँ पर लोगों ने खुदाई की, खजाना मिला या नहीं मिला उसके बाद इस मिट्टी को एक जैसा कर दिया। देखिए, लगता है कि यहाँ पर कुछ ही दिन पहले खुदाई हुई है, यानी कि अलाउद्दीन की उसी बैठक के पास जो प्राचीन समय से यहाँ पर बनी हुई है। काफी रहस्यमय और खतरनाक ही सुरंग है। बड़े लड़ैया महोबे वाले, जिनसे हार गई तलवार, एक को मारे दुई मर जावे, तीसरा खौफ काय मर जाए, मरे के नीचे जिंदा घुस गए, ऊपर लाश लई सरकाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। और आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश के महोबा के यादव वीर अलाउद्दीन के किले पर। जी हाँ, हमारे पीछे ये जो वीरान किला आप देख रहे हो, जो आज एक खंडर में तब्दील हो गया है, ये इसकी बदकिस्मती है कि आज इस पर सरकार की कोई नजर नहीं है। आज इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, इसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। ये किला उन वीरों का है जिनका डंका 52 गढ़ों में बजा, यहाँ तक कि अन्य देशों में भी जिनकी तलवार की खनक देखने को मिलती है। हमारे सामने आप देख रहे होंगे अलाउद्दीन का वो किला है जहाँ पर वो रहा भी करते थे और अधिकांश इसका शिकार के रूप में प्रयोग किया करते थे, यानी कि चारों तरफ भयंकर जंगल और पहाड़ी लगी हुई है। यहीं पर वो शिकार खेलने के लिए आते थे। बताया जाता है कि यहाँ पर अलाउद्दीन काफ़ी दिनों तक रुका करते थे और इन जंगलों में शिकार खेला करते थे। और इन जंगलों के ऊपर एक पहाड़ी से एक ऐसा सुरंग है जो यहाँ से दिल्ली तक जाता है, उस सुरंग पर भी हम आपको लेकर के चलेंगे। उसके पहले जानते हैं इस किले के बारे में। यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे तो ये तालाब आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि काफ़ी बड़ा तालाब है। इसे बोला जाता है मामा माहिल का तालाब, यानी कि जो उरही के परिहार थे, यानी कि जो मामा माहिल थे, उनका ये तालाब बोला जाता है। तो इस किले के हम अंदर चलते हैं। सबसे पहले यहीं से इसका व्यू देखिए और इस किले के अंदर चलते हैं और बारीकी से धीरे धीरे इस किले के इतिहास को जानेंगे और किन वीरों का ये किला है उसको भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं अंदर की ओर। इन वीरान जंगलों में एक समय उन योद्धाओं की तलवारों की गुंजन हुआ करती थी। चारों तरफ क्या माहौल रहा करता होगा उस समय, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। ये विशाल वृक्ष देखिए, ये विशाल इमली का वृक्ष लगता है कि उसी समय का है, क्योंकि इसकी जो शाखाएं हैं, जो डालियां हैं, वो चीख चीख कर ये बता रही है कि मैं उसी समय का जीता जागता सबूत हूँ। सामने आप देखोगे तो इससे भी एक प्राचीन इमली का वृक्ष आपको दिखेगा जिसमें किसी देवता की मूर्ति स्थापित है, जिसकी पूजा यहाँ के गांव वाले जो आसपास के हैं वो करते हैं। और इन्हीं वीरान जंगलों में से होते हुए हम पहुँचेंगे इस किले पर। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अलाउद्दीन के किले के मुख्य द्वार के पास, जिसे आप देख सकते हो जो कि किस समय में निर्मित हुआ और किसने बनवाया उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है। और बताया जाता है कि सालट का यह प्राचीन किला चंदेलकालीन ऐतिहासिक धरोहर है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में चंदेल वंश के शासक राजा परमाल चंदेल द्वारा कराया गया है। यह किला राजा परमाल चंदेल के सेनापति वीर आला व उदल के निवास विश्राम महल के रूप में प्रयुक्त हुआ। इस किले के आसपास की वनभूमि शिकार खेलने के लिए प्रयोग की जाती थी। तो आप समझ चुके होंगे कि इस किले में जो वीर आला उदल थे वो रहे भी हैं, विश्राम भी किया और शिकार खेलने के लिए इस किले का अधिकांश उपयोग किया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वीर आला उदल कौन है, तो मैं आपको बता दूं,
ये वीर अलाउद्दीन महोबे के चंदेल यानी कि परमाल राजा के सेनापति हैं और इनका जो जन्म है यानी कि अहीर समाज से माना जाता है। बताया जाता है कि ग्वालियर के अहीर राजा की दो पुत्री हुई देवला और कनका, जिनका विवाह यहाँ के जो परमाल राजा थे उनके सेनापति थे दशराज और बसराज उनके साथ हुआ और उन्हीं के ये वीर पुत्र हुए जिनका पराक्रम पूरी दुनिया में आज भी लोगों की मुँह से सुनने को मिलता है। यानी कि कनका के मलखान और सुलखान हुए और दिबला के आला और उदल हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी तलवार की दम पर जौहर दिखाया। जग जाहिर जिनकी तलवार है। आइए यहाँ पर इस दरवाजे को देखिए तो उस समय यहाँ पर जो द्वारपाल हुआ करते थे, जो सैनिक हुआ करते थे, दोनों तरफ बैठकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे। कुछ उस समय का ईंटों का जो निर्माण आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल में इसका जो गेट है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि टूट चुका है, लेकिन गेट के पीछे जो गेट की मजबूती के लिए जो सपोर्ट लगाई जाती थी वो आपको यहाँ पर दोनों तरफ देखने को मिलेगी। गेट के ऊपर जो भुआ होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी ये किला अपने उन दिनों के लिए रो रहा है, यानी कि किले के अब हम अंदर आ चुके हैं तो आपको दिखाई दे रही होगी ये वीरान इमारत, ये टूटी फूटी दीवारें और ये घनघोर जंगल, जो आज भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मुझे बचा लो, मैं गुजरा हुआ कल हूँ। मैंने बहुत समय देखा है जिस समय इस किले में चारों तरफ तलवारों की छनकार, उन वीर पराक्रमी योद्धाओं के रहने का ये निवास स्थल है। इस पहले तो मैं इस पावन वीर भूमि की मिट्टी को अपने सर से लगाता हूँ क्योंकि ऐसी मिट्टी हमें बार बार देखने को नहीं मिलती है। ऐसे वीर योद्धाओं की स्थली पर हम आ चुके हैं। आइए हम चलते हैं घुड़साल की ओर। यहाँ पर देखोगे तो जो आला उदल थे उनके पास कुछ विशेष प्रकार के घोड़े हुआ करते थे, यानी कि जो घोड़े उड़ा करते थे। बताया जाता है कि राजा इंद्र के वो घोड़े थे और राजा इंद्र से उदल जो थे वो उन्होंने किसी विशेष बात पर मांग लिए थे, यानी कि इनके पास देवी शक्ति थी जो ये देवताओं को भी बस में कर लिया करते थे, उनसे बातचीत किया करते थे। और मैहर वाली माता के पास में आला ने अपनी शीश का दान दिया था, इसलिए आज भी आला अमर बताए जाते हैं। बताया जाता है कि इस किले में आज भी आला रात को आते हैं और आज भी इस किले में आला को यहाँ के लोग मानते हैं कि वो आते हैं और उन्होंने देखा भी है। तो सबसे पहले उस समय की इस घोड़साल को देखिए आप। ये सारे जो मेहराब वाले दरवाजे हैं, ये छोटी छोटी अलमीरा उस समय कुछ रोशनी वगैरह रखने के लिए बनाई गई थी। इसके अंदर घुड़साल हुआ करता था, यानी कि आला उदल के घोड़े बांधे जाया करते थे, जो आज इस तरीके से टूट चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी छत हुआ करती होगी जब, तब कैसा यहाँ पर लगता होगा। क्या ये दीवारें उस समय ऐसी ही थी? क्या इनको इसीलिए हमारे वीर योद्धाओं ने बनवाया कि एक समय इनमें रहने वाला कोई ना हो? ये देखिए टूटी फूटी इमारतें जो आज मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ऐसा ही रहा तो अधिक से अधिक 2 या 4 साल बाद आपको ये भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे वीर योद्धाओं की जन्म स्थली, उनका निवास स्थल हमें बहुत कम देखने को मिलता है। बताया जाता है कि आला उदल ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में कई बार हराया और उनकी दिल्ली पर चढ़ाई करके उनके घर में घुसकर उनकी छाती पर बैठकर उनकी बेटी का विवाह परमाल राजा के बेटे ब्रह्मा के साथ करवाया, बेला का गौना। तो आइए ये देखिए उस समय की कुछ इमारतें आज देखने में सही भी लग रही हैं, कुछ ये झाड़ियां भी उग चुकी हैं। आइए यहाँ पर उस समय ये छोटी छोटी जो अलमीरा बनाई गई थी किस उपलक्ष में बनाई गई थी ये तो नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन ये सारा घुड़साल हुआ करता था, क्षत्रियों के घोड़े बांधे जाते थे यहाँ पर। आला उदल मलखान जगनिक ब्रह्मा कई ऐसे ऐसे योद्धा यहाँ पर रहे हैं जिनका उल्लेख आपको आला खंड में मिलेगा। ये देखिए उस समय की कुछ ऐसी इमारतें जो ऊपर इनके ऊपर घास उग चुका है और कुछ सही है। अभी हम आंगन में हैं। आंगन आप देख सकते हो, आंगन आज एक पूरी तरह से जंगल में परिवर्तित हो गया है। सामने आपको एक पहाड़ी दिखाई दे रही होगी, उस पहाड़ी में एक ऐसी गुफा है
जो दिल्ली तक जाती है, जिसके पास हम आपको वीडियो के अंत में ले चलेंगे। उसके पहले इन इमारतों के अंदर जाकर कुछ दिखाना चाहते हैं, वो जंगल दिखाना चाहते हैं जिसमें कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जानवर रहते हैं, जिनकी शिकार खेलने के लिए वो वीर पुरुष यहाँ पर आया करते थे, रुका करते थे। यहाँ पर आइए तो इसका जो निर्माण है टूटने की कगार पर है। ये देखिए, किसी भी समय छत टूट सकती है। यहाँ पर अंदर आना खतरे से खाली नहीं है। ये देखिए, ये टूटी फूटी इमारतें, उस समय का छत आप देख सकते हो जो किसी भी समय टूट सकता है। बड़ी रिस्क उठाने के बाद हम इसको आपको दिखा रहे हैं। आइए इस समय निकलते हैं थोड़ा जल्दी से, क्योंकि ये टूटने की कगार पर है। उस समय इस तरह के पिलरों से इसकी दीवारों को मजबूती दी गई है, इसका निर्माण किया गया है। इस तरफ आइए, इस तरफ हम आते हैं तो दोनों तरफ, यानी कि उस तरफ भी जंगल था, इस तरफ भी घनघोर जंगल लगा हुआ है, और सामने लगा हुआ है मामा माहिल का तालाब, यानी कि इसका जो व्यू है वो भी अच्छा है, और शिकार खेलने के उपलक्ष्य से बहुत ही सुरक्षित है, पहाड़ियां भी हैं, तो कोई शत्रु यहाँ पर चढ़ाई भी नहीं कर सकता। यहाँ पर आइए तो इस दरवाजे से हम फिर से एंट्री लेंगे और इसके जो छत जाने योग्य है वहां पर चलते हैं हम। आइए, ये देखिए, हम उस दरवाजे से अभी आए थे, सामने आपको वो दरवाजा दिखाई दे रहा होगा, ये इसका बैक साइड का दरवाजा है पीछा, जो मतलब महल के इस रास्ते से निकल भी सकते हो आप जंगल के शिकार खेलने के लिए, या फिर कोई शत्रु चढ़ाई वगैरह करे तो उस समय भी। उस समय के ये दरवाजे आप देख सकते हो छोटे छोटे, यानी कि 7 फुट के दरवाजे, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी लंबाई कितनी रही होगी उस समय। 12वीं शताब्दी का ये किला निर्मित बताया जाता है। आइए ये देखिए, तो यहाँ पर इसका कुछ निर्माण चूना और ईंटों से इसका छत आपको देखने को मिलेगा, और कुछ अलमीरा भी आपको देखने को मिलेंगी जो सामान वगैरह रखने के उपलक्ष्य में बनाई गई थी। और इस गेट को पार करते हुए हम फिर से इसके अंदर आ चुके हैं आंगन में। आइए अब हम इसके छत पर चलना चाहते हैं, क्योंकि इसका एक जो छत है थोड़ा सा जाने योग्य है, तो उसके ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं छत से आपको बाहरी एरिया। आइए सीढ़ियों को पार करते हुए, क्योंकि इसका जो सारा निर्माण है कुछ इस तरीके से हो चुका है कि इस पर किसी का ध्यान नहीं है, सरकार ने इसको बिल्कुल अनदेखा कर दिया है। अगर आज हमारे इन वीरों, इन वीर सेनापतियों का, और यहाँ तक कि ये कहें कि ऐसे वीर बुंदेलखंड के ये सबसे बड़े वीर भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि आज तक इन्होंने कोई युद्ध हारा नहीं है। देख सकते हो छतों पर इस तरह की जंगल का निर्माण आप देख रहे होंगे, छतों पर उग चुके हैं बड़े बड़े पेड़े, चारों तरफ छाया हुआ है जंगल, और जंगल के बीच में उन वीर योद्धाओं का ये किला आज रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि मुझे बचा लो, मैं गुजरा हुआ कल हूं, मुझे बचा लो। एक समय मुझ में भी ऐसे ऐसे वीर योद्धा रहा करते थे जिनकी तलवार के भय से मुर्दे भी कब्र में घुस जाया करते थे। आइए छत देखिए, यहाँ पर कुछ छत टूटी हुई है, तो इसके अंदर हम अभी नहीं जा पा रहे क्योंकि किसी भी समय कोई भी छत नीचे जा सकती है। ये देखिए, ये सारा यहाँ का दृश्य है। जितने भी हमारे व्यूवर्स भाई इसको देख रहे हैं और जो आला उदल को पसंद करते हैं, जो जानते हैं कि आला उदल कितने बड़े वीर हैं, वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंच सके और सरकार इस किले को कुछ सुरक्षा दे सके, कुछ इसका सुधार करा सके, इसका पुनर्निर्माण करवा सके, ताकि उन वीर योद्धाओं की यादें हमारे लिए बची रहें, क्योंकि आला उदल की सिर्फ यही याद है जो हमारे पास आज हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई कुछ और उनकी बैठकें हैं जो उस समय की इस तरह की बनावट है जो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो आइए उतरते हैं इससे नीचे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा निर्माण है कि किसी भी समय क्षतिग्रस्त हो सकता है। ये देखिए घास सूख चुका है। आइए यहाँ से हम वापस लेते हैं अपने कदम और निकलते हैं यहाँ से किले के आंगन की तरफ। ये देखिए किस तरह से घास उग चुका है,
क्या कभी उन वीर सेनापतियों ने सोचा होगा कि उनके किले की ये दुर्दशा होगी? क्या कभी उन आला उदल ने अपने देश के लिए इसीलिए लड़ाई लड़ी थी कि एक समय उनके किले की कोई साफ सफाई करने वाला ही ना बचे? क्या उन्होंने इसीलिए इस क्षेत्र का नाम पूरे विश्व में किया, पूरे देश में किया? क्या उनके रहते हुए किसी विदेशी आक्रांता ने भारत पर हमला कर पाया? अगर वो होते तो कोई भी विदेशी आक्रांता भारत को जीत नहीं पाता, ये मेरा मानना है। और अगर जो लोग इस बात को मानते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि उनसे बड़ा वीर उनके बाद कोई पैदा नहीं हुआ। आला उदल, मलखान, सुलखान, ब्रह्मा, जगने, ये ऐसे योद्धा थे जिनके भय से काल भी डरता था, जो काल को भी मात दे देते थे, जिनकी सहायता सीधी देवी माँ भवानी करती थी। तो आइए, उनके यहाँ से नहाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ गई हुई हैं, कुछ कक्ष बने हुए हैं, उनको और देखते हैं। और इस जंगल को देख लीजिए आप, ये जंगल है, यहाँ पर कण कण में आला उदल की यादें छुपी हुई हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर खुदाई भी लगा दी, बताया जाता है कि यहाँ पर खजाना रखा है, तो लोग वहाँ आते हैं, खुदाई लगा देते हैं। क्योंकि आला उदल के जो राजा थे, यानी कि राजा परमाल, उनके पास था पारस पत्थर, यानी कि पारस मणि, जो कीरत सागर में आज भी डली हुई है। तो बताया जाता है कि अगर वो उस पारस पत्थर को किसी लोहे की किसी भी वस्तु में छुपा देते हैं तो वो स्वर्ण बन जाती थी, जिसकी लालसा में भी इसकी कुछ दुर्दशा हुई है। तो आइए चलते हैं इसके अंदर, यहां पर आइए, पहले यहां पर आएंगे तो उस समय की आपको ये दानाल देखने को मिलेगी, ये मेहराव वाले दरवाजे देखने को मिलेंगे, जिससे यही अंदाजा लगता है कि यहां पर बैठकर जो रानियां हुआ करती थी, जो राजा हुआ करते थे, इस सामने जो मामा माहल का तालाब है इसका आनंद लिया करते होंगे, यहाँ पर अच्छा व्यू मिलता होगा। उस समय का छत देखिए, जो बीच से दरार दे चुका है, जो टूटने की कगार पर है। तो सारा कुछ इसका जो निर्माण है बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, टूटने की बिल्कुल कगार पर है। और यहाँ से चलते हैं हम इसके छत के ऊपर, छत के ऊपर पहुँच जाएंगे ना, आइए। ये देखिए सीढ़ियां भी धराशायी हो चुकी हैं, लेकिन ये उन वीर सेनापतियों का, उन वीर योद्धाओं का किला है जो आज भी उनके वजूद की तरह टिका हुआ है। वरना हजारों वर्ष पुराना किला हमें बहुत कम देखने को मिलता है। इसकी देखरेख अगर होती तो वाकई में आज ये देखने लायक होता। यहां पर आइए, देखरेख ना होने की वजह से ये बन चुका है आसियाना। लोग आते हैं, शराब पीते हैं, शराब की बोतलें यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं या फिर इन्हें फोड़ देते हैं, लेकिन कोई इसकी साफ सफाई नहीं करता। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको मामा माहल का तालाब, जो काफी बड़े भूभाग में फैला हुआ है, देखने को मिलेगा। और दोनों तरफ का ये जंगल आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो, इस तरफ पहाड़ी, उस तरफ पहाड़ियों, पहाड़ियों से लगा हुआ है घनघोर जंगल। छत को देखिए, तो ये छत हमारे जो आज देखने को मिल रहा है, लगभग कुछ दिनों बाद ये हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये भी टूट जाएगा। लेकिन हमारे द्वारा जो आपको बताई जा रही है यादें, आपको उन वीर योद्धाओं की याद दिलाती रहेंगी। यहाँ पर आइए, ये देखिए, घास को पार करते हुए हम उस कक्ष को दिखाना चाहते हैं, जो कक्ष टूट चुका है, जो शायद रानी का कक्ष रहा होगा या राजा का कक्ष रहा होगा, बता नहीं सकते। यहाँ पर कुछ सुंदर आकृतियाँ भी बनी हुई हैं, यहाँ पर आइए, वहाँ पर दिखाइए, कुछ सुंदर डिजाइन यहाँ पर अंकित किए गए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रानी का कक्ष रहा होगा। नीचे इसके हम चलने की कोशिश करेंगे, उसके पहले इस वृक्ष को देखिए, ये देखिए, इस वृक्ष ने इस दीवाल पर अपना घर बना लिया है, इसकी जड़ों ने इस दीवाल को जकड़ लिया है, यानी कि जल्द से जल्द मैं सरकार से और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इस किले को जल्द से जल्द
कोई ना कोई इसका निर्माण होना चाहिए, इसकी सुधार होना चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाओ, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि हमारे इन वीर योद्धाओं का किला सुरक्षित होना चाहिए। क्योंकि आज देखने को मिलता है बहुत सारे किलों पर सरकार काम करा रही है, तो क्या ये बुंदेलखंड के सबसे बड़े वीर योद्धाओं का किला ऐसे ही खंडर हो जाएगा? क्या ये वीरान हो जाएगा? रात में यहाँ पर आने से डरते हैं लोग, दिन में ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि अलाउदल आज भी आते हैं, उनकी आत्मा घूमती है। तो कई तरह की किंवदंतियां भी यहाँ पर फैली हुई हैं, लेकिन इस किले की सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। आइए इससे नीचे चलते हैं, थोड़ा इस कमरे को देखते हैं जो रानी का कमरा हमें नजर आ रहा है। आइए यहाँ पर आइए। कुछ ऐसा निर्माण है जिसकी वजह से थोड़ा हमें डर भी लग रहा है। ओ भाई क्या हुआ है? कोई आइए भाई, भाई यहाँ पर कुछ आइए, ये देखिए उस समय का ये निर्माण देखिए आप। यहाँ पर आप देखोगे तो एक छोटा सा कमरा जिसकी बहुत सुंदर डिजाइन यानी बनी हुई है, कुछ उस समय के चिन्ह भी बने हुए हैं, अलमीरा बनी हुई है, तो लगता है कि ये रानी का कमरा रहा होगा, कुछ विशेष इसकी बनावट है। और इसके बाद एक और कमरा जो अभी हमने आपको ऊपर से दिखाया था, जो खंडर हो चुका है, इसकी बनावट भी हमें कुछ विशेष लगी। यहाँ पर अलमीराओं पर उस समय की जो डिजाइन है वो आपको देखने को मिलेगी, जो अंकित की गई है। चूना पत्थर से इसका जो सारा निर्माण है आप देख सकते हो, अधिकांश इसमें चूना पत्थर बना हुआ है, यानी कि चूना पत्थर से इसका निर्माण है। उस समय की ये सारी डिजाइन जो ये दर्शाती है कि ये रानी का कक्ष रहा होगा, ये छोटा सा मेहराब वाला दरवाजा और दरवाजे के ऊपर ये सुंदर नक्काशी इसी बात की ओर इशारा करती है कि रानी का कक्ष रहा होगा। और अब यहाँ से आइए, यहाँ से जो कक्ष से कुछ मेहराब वाले दरवाजे लगे हुए हैं जिनसे आप इस तालाब का सुंदर व्यू ले सकते हो, नज़ारा ले सकते हो। यहाँ पर ये जो दीवार नीचे धसक गई है, एक समय ये यहीं से रहा करती थी, यानी कि सीढ़ियाँ गई हुई थी इस तालाब में नहाने के लिए। जो टूटा हुआ निर्माण आप दिखाइए, तो ये सारा टूटा हुआ निर्माण यहीं का है, यहाँ से सीढ़ियाँ गई हुई थी तालाब तक, लेकिन अब ये खंडर में तब्दील हो चुका है, तो कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। उस समय के ये सुंदर पिलर आप देख सकते हो, जिन पर काफ़ी अच्छी नक्काशी अंकित की गई है, ये पिलर उसी समय के बने हुए हैं, और शायद इन्हीं पिलरों की वजह से आज ये किला डटा हुआ है। तो चलिए यहाँ से एक बार फिर से अपन आंगन में जाते हैं, और इस सुंदर दरवाजे को पार करते हुए हम आंगन की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए टूटी फूटी दीवारें, सीधी दीवारें की दीवारें, यानी कि इसके काफ़ी कक्ष टूट चुके हैं। इन दीवारों को देखकर ऐसा लगता है कि एक समय काफ़ी कक्ष यहाँ पर रहे होंगे। ये वाला कक्ष बताइए, ये वाला जो बीच वाला जो एक कक्ष है, तो यहाँ के लोग बताते हैं कि ये कक्ष सबसे सुंदर कक्ष था, और इसी में अलाउदल का खजाना होने की बात करते हैं, जिसकी वजह से इस कक्ष को बुरी तरीके से तोड़ दिया गया है। इसकी एक एक इमारत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, अधिकांश इसमें टूटा हुआ आपको ये मलमा ही मिलेगा। यहाँ पर आइए, और यहाँ से अब हम बाहर की ओर निकास करते हैं। तो इन टूटे फूटी जो दीवारें हैं, जिसको मैंने बताया कि लोगों ने लालच के प्रति इनको तोड़ दिया है, यहाँ का ये सारा निर्माण लोग बाग आते हैं, तो यहाँ पर ये वीरान पड़ा हुआ है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई डर नहीं है लोगों को, तो तोड़ देते हैं जिसको भी चाहते। ये देखिए यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर कुछ खुदाई भी हुई है, ये देखिए खजाने के लिए यहाँ पर लोगों ने खुदाई की, खजाना मिला या नहीं मिला उसके बाद इस मिट्टी को एक जैसा कर दिया। देखिए लगता है कि यहाँ पर कुछ ही दिन पहले खुदाई हुई है। आइए यहाँ से, ये सारा कुछ निर्माण टूटा हुआ आप देख सकते हो। आइए अब यहाँ से हम बाहर की ओर निकलते हैं। टूटी हुई ये दीवारें आप लोगों से बस इतना मांग रही है कि सरकार के पास इस बात को पहुंचाओ कि हमें वीर अलाउदल के किले को सुधार चाहिए, वरना एक बार एक समय के बाद हमें ये किला देखने को नहीं
मिलेगा। दोस्तों बताया जाता है कि अलाउद्दीन ने ऐसा कोई राजा नहीं था जो उनसे युद्ध में उन्हें हरा सका। पृथ्वीराज को भी उन्होंने कई बार युद्ध में हराया और कई ऐसे राजा जिन्हें अपनी शक्ति पर घमंड था उनको घर में घुसकर अलाउद्दीन ने पराजित किया। ऐसे वीर योद्धा हुए अलाउद्दीन। और अलाउद्दीन के किले की ये स्थिति बड़ी ही दयनीय स्थिति है। यहाँ पर मेरे आंसू निकलने लगे हैं क्योंकि मैं अलाउद्दीन को बहुत मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये बुंदेलखंड के वो शेर थे जिन्होंने दिल्ली तक अपना परचम लहराया। अगर वो चाहते तो ऐसा कोई किला नहीं था जिसे वो जीत ना सकते, जिस पर वो अपना आधिपत्य ना जमा लेते। लेकिन कभी भी उन्होंने लालच के प्रति युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने सिर्फ अपनी शान और शौकत के लिए युद्ध लड़ा, अपने वजूद के लिए युद्ध लड़ा। लेकिन किसी भी किले को जीतने के बाद उसे अपने अधिकार में नहीं लिया। ये आप जानते हो। मलखान को भी आप जानते होंगे, जिस पर पृथ्वीराज चौहान ने 900,000 सेना के साथ उसके सिरसागढ़ पर हमला कर दिया था, लेकिन मलखान ने अकेले ही पृथ्वीराज की उस सेना को पराजित कर दिया था। पृथ्वीराज को ना को चने चबवा दिए थे। उसके बाद धोखे से पृथ्वीराज चौहान ने मलखान का वध किया। तो आइए दरवाजे को पार करके हम फिर से आपको एक ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं जहां पर अलाउद्दीन की बैठक बताई जाती है कि यहां पर अलाउद्दीन बैठते थे। जो उस बैठक को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि 12वीं शताब्दी का निर्माण कितना सुंदर था, क्योंकि वो बैठक पूरा पत्थर से निर्माण है। किस तरीका का निर्माण है, ऐसा निर्माण मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो चलिए अब वहीं पर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं उसी मढ़ के पास, यानी कि अलाउद्दीन की उसी बैठक के पास जो प्राचीन समय से यहाँ पर बनी हुई है। उससे भी पहले राजा जो परमाल के जो वंशज थे कीर्ति वर्मन, यशो वर्मन, वो भी यहाँ पर इस मढ़ को उन्होंने निर्माण करवाया था। तो आइए इस मढ़ को, इस बैठक के निर्माण को देखते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण है कुछ अलग ही प्रकार से, कुछ विशेष प्रकार से देखने को मिलता है। सीधा उस समय के इन पहाड़ी पत्थरों को सीधा रखा गया है और इसमें किसी भी तरह के चूना, सीमेंट या ईंट वगैरह का कोई भी छोटा सा निर्माण देखने को नहीं मिलता है। सीधा ऐसा निर्माण है जैसा हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए, सीधा पत्थरों से, पत्थरों पर रुपा कर इस तरीके से रखा गया है कि हजारों वर्ष से आज भी ये निर्माण हमें देखने को मिलता है। आइए यहाँ पर ये चंदेलवंशी जो चिन्ह है वो आपको देखने को मिलेगा और किस तरह पत्थर में सुंदर डिजाइन नक्काशी दी गई है आप देख सकते हो। और ये तो ठीक है, इसके ऊपर की इस बनावट को देखिए, कितनी सुंदर कलाकृति, कितने सुंदर तरीके से इस मढ़ का निर्माण किया गया है, इस बैठक का निर्माण किया गया है। यहाँ पर दोनों तरफ बैठकें लगी रहती थी, लेकिन एक समय बताया जाता है कि यहाँ पर मंदिर भी था। तो जब औरंगजेब ने यहाँ पर चढ़ाई की तो उस समय मंदिर को खंडित कर दिया। यहाँ पर दोनों तरफ मंदिर का कुछ जो सामान हुआ करता था, सामग्री हुआ करती थी, वो रखी जाती थी। एक सीक्रेट रूम था छोटा सा, और इस तरह की छोटे छोटे सीक्रेट रूम देखने को मिलेंगे। यानी कि पत्थर को तराश कर किस तरीके से सीक्रेट रूम बनाए हैं, हर जगह चंदेलवंशी चिन्ह को दर्शाया गया है। और इन सुंदर कलाकृतियों को भी देखिए, पत्थर पर ये सारी सुंदर कलाकृति, और उस समय की ये जो खुजराहो से मेलजोल खाता है जिस चित्रकला का, जिस कलाकृति का, वो आप देख सकते हो। क्योंकि खुजराहो के जो मंदिर है वो भी चंदेलकालीन है और ये भी सारा जो मढ़ का निर्माण है, जो बैठक का निर्माण है, ये चंदेलकालीन है। ये देख सकते हो कुछ मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं, लोग बागों ने फोड़ दी है, कुछ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी देखोगे सारी कुछ हमें कुछ देखने को मिल रही है। ये दरवाजा है मुख्य, यहाँ पर भी आपको उसी समय की कुछ ये जो खंडित हो चुकी है तो ये हमें देखने को मिलता है। ये देखिए किसी देवता की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी जिनका सिर कुछ अलग है। तो ये सारा था इस अलाउद्दीन की बैठक का निर्माण, जो देखने में बहुत ही सुंदर है। आइए इसकी उस तरफ,
उस तरफ चलते हैं। आइए यहां पर देखिए, तो यहां पर इसका काफी सारा जो निर्माण है वो टूट चुका है। बाहर से कुछ इस प्रकार से दिखता है कि अंदर से जितना खूबसूरत है बाहर से कुछ उतना ही अलग प्रकार से दिखता है। ये देखिए, अंदर से इसमें बहुत ही खूबसूरती है तो बाहर से इसकी खूबसूरती देखिए किस तरह। उस समय जो कारीगर लोग हुआ करते थे उन्होंने सुंदर डिजाइन से इस पत्थर ही पत्थर से इस मढ़ का निर्माण किया, जो अलाउद्दीन के समय का बताया जाता है, यानी कि 10 से 12वीं शताब्दी का ये सारा निर्माण है। यहाँ से दिखाइए, यहाँ से इसके पिलर वगैरह देखिए, जो सारे कुछ पत्थर से पत्थर को जोड़कर बनाए गए हैं। किसी भी प्रकार के किसी भी केमिकल, सीमेंट, चूना पत्थर, ईंट वगैरह का कोई भी आपको निर्माण देखने को नहीं मिलेगा। बहुत कुछ इसमें जो इमारत है वो धराशायी भी हो चुकी है। तो आइए फिर से अंदर चलते हैं। ये देखिए, पत्थर ही पत्थर से दरवाजा, पत्थर का ही ये सारा कुछ बना हुआ है, ये सारी कलाकृति। और इस दरवाजे को पार करते हुए कोई देवता है, काफी चित्रकला बनी हुई है, तो हम माफी चाहते हैं। ये सारा कुछ देखते हुए ये देखिए किस तरह के पत्थर से पिलर बनाए गए थे, किस तरह की ये घुमावदार ये पत्थर को बैठक की जो डिजाइन है वो कवर की गई थी। और ये इसका यहाँ पर खुला रखा गया था या टूट चुका है, कुछ कह नहीं सकते। तो ये उन वीर सेनापतियों की बैठक है, राजा महाराजाओं की बैठक है, जो बाहर से तो खुरदरी दिखती है लेकिन अंदर से इसकी सुंदरता, इसकी नक्काशी, इसकी जो पत्थर पर डिजाइन अंकित किए गए हैं वो देखने लायक है। इस तरह की कलाकृति, इस तरह की बनावट हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो जो बीच में एक पत्थर में एक छेद बनाया गया है और उस पर एक चेहरा दर्शाया गया है पूरे पर। ये देखिए लगभग 8 से 10 चेहरे दर्शाए गए हैं हर एक पत्थर पर, आप गौर कीजिए। तो पत्थर पर किस तरीके से चेहरे दर्शाए गए हैं, किस तरीके से उन पर कुछ लिखा भी हुआ है जो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, किस तरह से ये सारी कलाकृति की गई है आप अंदाजा लगा सकते हो। मुख्य द्वार पर आप देखोगे तो ये किसी देवता की मूर्ति आपको दिखाई देगी जिनको हम प्रणाम करते हैं, नीचे भी आपको किसी देवता की मूर्ति दिखाई देगी। ये सारा कुछ इस मठ की बनावट है, इसकी सुंदरता है। तो ये सारा तो था मठ का व्यू। ये सालट गांव में ही ये मठ लगा हुआ है, पीछे आपको खेती दिखाई देगी जो लोग बाग कृषि करते हैं। बाहर से आप देखोगे तो काफी कुछ इसका निर्माण जो है टूट चुका है, वरना पहले इसकी सुंदरता कुछ अलग रही होगी और टूटने की कगार पर भी है। यहाँ पर भी कुछ पत्थर खिसक चुके हैं, जैसे ये धराशायी होगा तो ये काफी कुछ धराशायी हो जाएगा। तो दोस्तों, अलाउद्दीन के पूरे किले को हमने विजिट किया, अब हम जा रहे हैं इस पहाड़ी पर उस सुरंग के पास जो सीधी दिल्ली तक जाती है, जिससे लोग बाग बताते हैं कि आज भी आला उस सुरंग के माध्यम से इस किले को घूमने के लिए आते हैं, इस किले में विश्राम करने के लिए आते हैं। तो आइए इस पहाड़ी को पार करते हुए हम उस सुरंग के पास पहुंचेंगे। ये पहाड़ी की जो चढ़ाई है सीधी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत भी लगेगी, थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। आइए, छोटे छोटे पहाड़ी पत्थर यहाँ पर डले हुए हैं और ये विशाल जंगल भी लगा हुआ है। आइए, और सुरंग के पास हम आपको ले चल रहे हैं। कुछ लोग तो बताते हैं कि इस सुरंग में आज भी खतरनाक जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे कि शेर, चीता, ऐसे कुछ खतरनाक जानवर सुरंग के अंदर रहते हैं। लेकिन हम लोग सब कुछ साइड में करते हुए उस सुरंग के पास जाएंगे। बहुत ही सीधी चढ़ाई है इस सुरंग की। बाप रे, आराम से भाई, बहुत ही
खतरा है यहाँ पर, ये पहाड़ी पत्थर निकल जाते हैं। आइए, सुरंग के पास ही हम लोग पहुंच रहे हैं, काफी मुश्किल चढ़ाई है। आइए आइए आइए, तो दोस्तों विकट पहाड़ी को पार करते हुए देखिए काफी ऊंचाई पर हम लोग आ चुके हैं, सांस फूलने लगी है हमारी। यहाँ पर देखोगे तो वो सुरंग लगी हुई है जिससे आला आज भी आते हैं और जो दिल्ली तक जाती है। इस सुरंग के अंदर जाना तो खतरे से खाली नहीं, क्योंकि मधुमक्खियों ने इसे अपना घर बना रखा है। यहाँ पर आइए और दिखाइए, ये देखिए काफी रहस्यमय और खतरनाक ही सुरंग है और मधुमक्खियों का आसियाना दिखाई, तो इसके अंदर तो जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम लोग दिखा सके वहाँ तक हमने आपको दिखाया, क्योंकि हमने वादा किया था कि वीडियो के लास्ट में सुरंग आपको जरूर दिखाएंगे। ये देखिए छोटी सी सुरंग जो काफी दूर तक जाती है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये आला उदल के किले का वीडियो और क्या कुछ आप इस पर कहना चाहते हैं, क्या कुछ इसके लिए आपके दिल में भाव है वो कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो मैंने व्यूज के लिए नहीं बनाया, ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि इस किले का सुधार हो सके, इस पर सरकार की नज़र हो सके और ये उन हजारों वर्ष पुराने वीर योद्धाओं की यादें हमें कई पीढ़ियों तक देखने को मिल सके, इस तालाब का भी कुछ सुधार हो सके, क्योंकि ये तालाब भी उसी समय का है, मामा माहल का तालाब जिसका जल आज दूषित होने की कगार पर है, देख सकते हो आप। और ये किला टूट फूट में, यानी कि टूट फूट का काफी अभाव है, एक दो साल में ये बिल्कुल हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो में आप लोगों को अपने दिल की बात सुनना और जो आपके दिल को लगे वही करना। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक जगह पर आपको लेकर के चलता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।